हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर हिंदी ग्रामर ऑफ चैप्टर थर्ड। ये हमारी हिंदी ग्रामर का चैप्टर थर्ड है, क्लास फोर में संज्ञा। क्या है चैप्टर थर्ड में? संज्ञा यानी नाउन। तो निम्न चित्रों के नाम बताइए बेटे। यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं उसके नाम लिखिए। जैसे यहाँ है आम, ये है ताजमहल, ये है किताब, ये है चिड़िया। तो आप लोग यहाँ पर इनके नाम राइट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आम, यहाँ ताजमहल, यहाँ किताब और यहाँ चिड़िया। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी बुक में इसे फिल करेंगे। उसके बाद है, आइए इन चित्रों के नाम न होते तो आप इन्हें क्या कहकर बुलाते? यदि इनके नाम न होते तो इन्हें क्या कहते हम लोग? इस संसार में प्रत्येक वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव का कोई न कोई नाम होता है, यही नाम संज्ञा कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रवीना, शिल्पा व अक्षत आ रहे हैं। क्या तुम लोग माउंट आबू जा रहे हो? पिताजी नई मेज कुर्सी लाए हैं। इस दुनिया को घृणा से नहीं, प्रेम से जीतो। इन वाक्यों में आए शब्द रवीना, शिल्पा, अक्षत, माउंट आबू, पिताजी, मेज, कुर्सी, घृणा व प्रेम संज्ञा शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा क्या होता है बेटा? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति में हिमांशु, संजय, नेहा, दीपा। वस्तु में विमान, अलमारी, श्यामपट, चौक। स्थान में कानपुर, पटना, दिल्ली, लाहौर। प्राणी में गाय, शेर, कबूतर, हाथी। भाववाचक में, भाव में विश्वास, सुंदरता, घृणा, प्रसन्नता। तो ये हमारे संज्ञा शब्द हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमने क्या जाना? संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई नाम जो होता ही है। प्रत्येक शब्द का कोई नाम होता है। संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा के तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। विशेष व्यक्ति, जैसे नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर। विशेष वस्तु यानी श्रीमद् भगवत गीता, रामायण। विशेष स्थान यानी हैदराबाद और चारमीनार। तो बेटा ये लोग विशेष हैं। नरेंद्र मोदी विशेष हैं, रामायण विशेष है, चार मीनार भी विशेष है। तो विशेष वर्ग के लोग यानी विशेष वस्तु, स्थान या जगह का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आइए जातिवाचक संज्ञा में, मतलब किसी विशेष जाति का। ये क्या है? मनुष्य। मनुष्यों की एक जाति होती है। पुस्तक, पुस्तकों की एक भी एक जाति होती है। और कवि, कवियों की भी एक जाति होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, दशा व भाव आदि के बारे में बताएं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्यास, प्रेम। भाववाचक संज्ञाओं को हाथ से छुआ अथवा देखा नहीं जा सकता, इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, मतलब इन्हें हम लोग छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? कुछ शब्द भाववाचक संज्ञा ही होते हैं, जैसे सत्य, मृत्यु, प्रेम आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएँ संज्ञा सर्वनाम, क्रिया व विशेषण शब्दों से बनाई जाती है। जैसे शब्द और भाववाचक संज्ञा, अपना का अपनापन, नमक का नमकीन, मित्र का मैत्री, हंसना का हंसी। और यहाँ भी शब्द भाववाचक संज्ञा दिया गया है, मारना का मार, एक का एकता, जाति का जातीयता, मानव का मानवता। ओके, उसके बाद है दानव का दानवता, पढ़ना का पढ़ाई, खेल का खेलना का खेल, मूर्ख का मूर्खता, सफल का सफलता, सुनना का सुनवाई, वीर का वीरता, निकट का निकटता, दूर का दूरी। मीठा का भाववाचक मिठास, बच्चा का बचपन, जीना का जीवन, कठिन का कठिनाई, हरा हरियाली, लूटना लूट, चमकना चमक, देर देरी, कम कमी। ठीक है, उसके बाद है शत्रु, शत्रुता और शिशु, शैशव। तो ये हमारा कुछ भाववाचक संज्ञा था। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। आगे क्या है? क्या आप जानते हैं इन चित्रों को, इन चीज़ों को पहचानिए, उनके नाम लिखिए। चार पैर पर टिकी हुई है, पढ़ते खाते बिछी हुई है। तो बेटा ये आपको खुद से करना है। ठीक है, मतलब ये खाट है, चार पैर पर टिकी हुई है, पढ़ते खाते बिछी हुई है। हम उसी पे बैठ के पढ़ते भी हैं, खाते भी। तो ये आपका HW, आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर है हमारा पाठ का सार। आइए हम लोग अपने पाठ का सार पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है,
संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्ति अथवा वस्तु आदि के विशेष नाम का बोध कराते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के लिए भी प्रयुक्त होती है। जैसे आजकल कंस रावण सब जगह मिल जाते हैं। यहाँ कंस तथा रावण से तात्पर्य दुष्ट व्यक्तियों से है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक की भांति प्रयोग की जाती है। गांधी जी एक महान पुरुष थे। यहाँ गांधी शब्द जातिगत है, परंतु विशेष महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अभ्यास है ये HW, इसे आप लोग खुद से करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली बेटा निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, इनमें संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए। कल शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। तो शिक्षक क्या है बेटा? हमारा संज्ञा है, तो हमने इसे सर्कल किया। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार भी संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है। तो हमें संज्ञा शब्द पे सर्कल करना है। इसे आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद है संज्ञा किसे कहते हैं। तो बेटा ये आपको कॉपी में राइट करना है आपके, ना जो क्वेश्चन आंसर है बुक में भी फिल करेंगे, अपनी कॉपी में भी राइट कर लीजिएगा। ग्रामर के व्याकरण की जो कॉपी होगी उसमें संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेदों के चार चार उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के चार चार उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के चार चार उदाहरण। तो बेटा यहाँ तीन दिया था लाइनिंग, इसलिए मैंने तीन लिखा है। महात्मा गांधी, गंगा, रामायण, जानवर, पक्षी, बच्चे, बचपन, मित्रता, वीरता। ठीक है, फिर उसके बाद है अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखिए व दस संज्ञा शब्द लिखिए। हमें इसको देखना है बेटा, अपने आसपास में हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं उनका नेम लिखना है। 10 संज्ञा शब्द हमें इसमें भरना है। तो ये आप लोग HW खुद से करेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञाएँ लिखिए। शब्द जैसे इधर एक तरफ शब्द है, एक तरफ भाववाचक है, संज्ञा है। तो आइए इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। मूर्ख का मूर्खता, वीर का वीरता, दूर का दूरी, शिशु का सहसा, बच्चा का बचपन, जीना का जीवन, कम का कमी, शत्रु का शत्रुता, मानव का मानवता, मीठा का मिठास, मित्र का मित्रता, नमक का नमकीन। ठीक है, जिसे आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे हमारा नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो नमकीन, आशा, शिल्पा, बचपन, प्रेम, वीरता। बेटा ये शब्द दिए गए हैं, इसमें इससे हमें वाक्य बनाना है। तो जैसे मैंने इसमें वाक्य प्रयोग तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने वाक्य प्रयोग किया है, इसे आप लोग देख के अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ओके, उसके बाद है बौद्धिक प्रश्न। इस वर्ग पहेली में आए 10 राज्यों के नाम लिखिए। तो बेटा इसमें से आपको 10 राज्यों के नाम ढूंढने हैं और इसमें लिखने हैं। जैसे एग्जांपल में आपको एक गोवा करके दिखा दिया है, तो आप 10 राज्यों के नाम ढूंढेंगे और इसमें फिल करेंगे। ठीक है,